एक बार की बात है कि एक संत ने एक द्वार पर दस्तक दी और बड़ी जोर से आवाज लगाई, भिक्षाम देही। तभी घर के अंदर से एक छोटी सी नन्ही सी बालिका निकल कर आई और हाथ जोड़कर बोली, बाबा हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, हम तो बड़े गरीब हैं, हम आपको क्या दें, हमारे पास अपने खाने के लिए नहीं है, हमें तो न जाने कितने दिन हो गए कि हमने भोजन नहीं किया। बाबा आप कहीं और से भिक्षा ग्रहण कर लें, हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। संत बड़े दयालु थे। संत ने कहा, बेटी मैंने आपसे भोजन नहीं मांगा, मैंने आपसे दक्षिणा नहीं मांगी, मुझे आपसे न भोजन चाहिए न दक्षिणा चाहिए, बस एक काम कर दे कि तुम मुझे अपने घर के आंगन से एक मुट्ठी मिट्टी लाकर दे दे और वही मैं दीक्षा के रूप में ग्रहण करूँगा। उस नन्ही सी बालिका ने अपने आंगन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उठाकर संत के कमंडलू में डाल दी और अंदर चली गई। संत के शिष्य ने संत से पूछा, गुरुदेव आपको क्या आवश्यकता थी, आपने एक नन्ही सी बालिका से भिक्षा में मिट्टी ग्रहण की, आप मिट्टी का क्या करेंगे। संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। संत ने कहा, आज ये नन्ही सी बालिका मुझे भिक्षा में मिट्टी नहीं देती तो शायद जीवन में कभी भी किसी को कुछ दे नहीं पाती, क्योंकि इसके अंदर कभी जीवन में देने का संस्कार जागृत ही नहीं हो पाता। आज मैंने इसके देने के संस्कार को जागृत कर दिया, आज इसने भिक्षा में मिट्टी दी है, कल यही बालिका मुझे भिक्षा में भोजन भी देगी, फल भी देगी और फूल भी देगी, क्योंकि आज से पहले उसके अंदर देने का संस्कार किसी ने उदय नहीं किया था, आज मैंने उसके अंदर देने का संस्कार उदय कर दिया। तो जीवन में देना सीखिए, अगर आप किसी को खुशी देंगे तो आपको बदले में बहुत खुशी मिलेगी, जीवन में किसी का सहारा बनेंगे तो लोग आपका सहारा बनेंगे, अगर आप प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा, घृणा करोगे तो घृणा मिलेगी। इसलिए आवश्यकता है कि आप कुछ अच्छा देने की आदत अपने अंदर डाल लीजिए।